भोजपुरी साहित्यकार फूलचंद प्रसाद गुप्त की दो पुस्तकों का लोकार्पण गुरुवार को प्रेमचंद नगर स्थित जुगानी भाई के आवास पर किया गया। इस अवसर पर भोजपुरी साहित्यकार रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य डॉक्टर रामदर्श राय, भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिव शंकर वर्मा, आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बजेंद्र नाथ नारायण मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों ने डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता की दो पुस्तक जिसमें नवनाथ और नाथ जोगी चरित्र ग्रंथ और पिंजरा भोजपुरी काव्य संग्रह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने दोनों पुस्तकों के विषय बिंदु की समीक्षा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई, प्रोफेसर शिव शंकर वर्मा, ब्रजेंद्र नारायण, डॉक्टर राम दर्श राय एवं पुस्तक के लेखक डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता ने कहा। भोजपुरी काव्य संग्रह है पिजरा, और एक नाथ योग पर है, नवनाथ पर लोगों पर सब है। आप जानते ही हैं कि नाथ योग की एक अलग विशिष्टता रही है। गोरखपुर की भूमि एक ऐसी है जो विद्रोही तेवर का रहा है, तो राजयोग के ठीक समानांतर खड़ा करने का श्रेय हठ योग को वो ये हमारे गोरखनाथ जी को जाता है। तो विद्रोह और विरोध यह गोरखपुर के पानी में रहा है, और गोरखपुरियत में चार हैं आधार हैं, गौतम, गोरख, कबीर और फिराक, चार के चारों विद्रोही हैं। जो गोरख के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक समानांतर राजयोग के, जिसमें आठ अंग आते हैं, हठ योग को खड़ा किया जिसमें से छह ही अंग आते हैं। इसलिए ये एक नया प्रयोग है आदरणीय हमारे डॉक्टर फूलचंद गुप्त जी का, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बधाई। इसी तरह से लिखते रहें, ये इनकी 13वीं या 14वीं किताब है। भोजपुरी में ही ये काफ़ी काम कर रहे हैं, और नाथ योग पर तो इनका एक अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत काम है, इनको एक बार फिर बधाई, धन्यवाद। फूलचंद प्रसाद गुप्त द्वारा लिखी गई दो किताबों का लोकार्पण एक साथ आज हुआ, नवनाथ और नाथ योगी, और दूसरी किताब पिजरा। यद्यपि दोनों किताबों में भूमिका के तौर पर मैंने लिखा है, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त द्वारा लिखी हुई 12वीं और 13वीं ये दोनों पुस्तकें हिंदी साहित्य जगत, ख़ास तौर से भोजपुरी साहित्य को समृद्धि प्रदान करती हैं, और एक योगी ये नवनाथ और नाथ योगी नाम की किताब नाथ परंपरा पर केंद्रित है, दूसरी किताब पिजरा वो कविता की है, जो दो दो तीन तीन तरह के अर्थों से भरी हुई है, अध्यात्म और निर्गुण से साक्षात्कार देने वाली किताब है। इस अवसर पर डॉक्टर गुप्त जी को बधाई देना चाहते हैं, और इस बात की उम्मीद भी हम लोग करते हैं कि वे यहीं विराम नहीं ले लेंगे, अपनी यह साहित्य यात्रा और आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रसाद गुप्त की दो पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, जिसमें एक तो पिजरा है, जिसमें भोजपुरी काव्य संग्रह है, विभिन्न प्रकार के काव्य जो उन्होंने लिखे हैं उसका एक संग्रह करके उन्होंने प्रकाशित किया है, और दूसरा बड़ा ही स्थानीय और एक शोधपरक पुस्तक है, नवनाथ और नाथ योगी। नाथ योग किस तरह से यहाँ प्रतिष्ठित हुआ और किस तरह से उसका विकसित हुआ, वो विशेष करके यहाँ गोरक्षनाथ पीठ से संबंधित है, उस पर उन्होंने एक बड़ा शोधपरक ये लिखा है, और निसंदेह जो लोग इसको पढ़ रहे हैं उन्हें नाथ योग के बारे में जो मूलभूत धारणा है उसका पूरा का पूरा वो परिचय हो जाता है। इन दोनों पुस्तकों के लोकार्पण के अवसर पर मैं
अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से जो है डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये उनकी भोजपुरी साहित्य में 12वीं और 13वीं नंबर का ये प्रकाशन है, इसके लिए मैं उनको प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इसी तरह से वो साहित्य का सृजन जो है वो भविष्य में करते रहें। धन्यवाद। फूलचंद प्रसाद गुप्त जी की ये जो दो किताबें हैं, एक पिंजरा उनका काव्य संग्रह और नवनाथ और नाथ जोगी, ये दोनों किताबें मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होंगी इस क्षेत्र के साहित्य को लेकर। खास करके नवनाथ और नाथ योगी ये भोजपुरी में लिखी गई है और भोजपुरी गद्य को समृद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यूँ तो हिंदी में नाथ पंथ में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन भोजपुरी में इस तरह का शोध करके और इस तरह की चीज़ों को सामने लाना जिसमें कि बहुत विशिष्ट चीज़ें हैं। जैसे मैंने इस देखा कि हीर रांझा की कथाएँ हम लोग प्रेमियों के रूप में देखते हैं, लेकिन पता लगा कि रांझा नाथ पंथ के दीक्षित एक सेवक थे और उन्होंने भी इस पंथ के प्रसार प्रसार में बहुत काम किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें मिलेंगी इस पुस्तक में लोगों को। और निश्चित रूप से भोजपुरी साहित्य हमारा, जो खास करके जो गद्य साहित्य है, वो समृद्ध होगा इस पुस्तक से। हम बहुत 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 शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं फूलचंद जी को और उम्मीद करते हैं कि इनकी कलम इसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। नवनाथ और नाथ जोगी चरित्र ग्रंथ पिंजरा भोजपुरी काव्य संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर, और नाथ योगी ई पहलका चरित्र ग्रंथ है जो भोजपुरी में लिखल गई बा। ये हमें नवनाथ के संगे 27 नाथ जोगियन के धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान का चर्चा कैल गई बा। पिंजरा अपने भोजपुरी लोक संस्कृत के दर्शन कराए वाली पुस्तक बा। सामाजिक विसंगति के प्रति पाठकन के सचेत कराए वाली, सामाजिक और राजनीतिक जौन समाज में गिरावट आयल बा वह पर भी एमें दृष्टि डालल गई बा। ये दोनों पुस्तक हमके लगता कि भोजपुरी पाठकन के पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद।